सीतापुर के सकरन थाना इलाके से रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पूरी दुनिया जब फादर्स डे मना रही थी रविवार की रात, उसी दिन एक बेटे पर इस कदर हैवानियत छाई कि उसने अपने ही पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, इसके लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सांडा के सहयोगी विनय अवस्थी से। विनय जी बताइए क्या मामला है। जी पुरे जी, पुत्र ने पिता से कुछ पैसे मांगे थे खर्चे के नाम पर। पिता के द्वारा जब पैसे न देने की बात कही गई तो लाठी डंडों से उसने अपने पिता पर जानलेवा हमला किया, जिससे बुरी तरह से वो घायल हो गए। ये मामला थाना क्षेत्र सकरन के कीर्तापुर गांव का है। रविवार की रात करीब 10 बजे शत्रुघ्न लाल, उम्र 50 वर्ष, पुत्र शिवराम, अपने दरवाजे के सामने पड़ी चारपाई पर खाना खा रहे थे। तभी गांव से घूम घाम के लौटे अखिलेश ने अपने पिता से खर्चे के नाम पे कुछ पैसे मांगे। पैसे न देने की बात जब पिता के द्वारा कही गई तो अखिलेश ने उसी जगह पड़े डंडे से अपने पिता को खाना खाते ही समय मारने लगा। जब आवाज सुनाई दी तो मोहल्ले से लोग इकट्ठा हुए और जब तक बीच बराबर करते तब तक काफी चौतहल हो गए थे पिता उसके। और फिर उनको एम्बुलेंस के जरिए शत्रुघ्न को CST सांडा भेजा गया। जी, CST सांडा में डॉक्टरों ने परीक्षण किया और जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। जी, ये बताइए जी, इसके घटना के बाद पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? फिर जब ग्रामीणों ने यशो को सूचना दी थाने को, तो यशो सकरन मनीष कुमार सिंह आए और इनके बड़े बेटे विमलेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र दिया और फिर मुकदमा 304 IPC धारा के तहत दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई और PM के लिए शव को भेज दिया गया है जिला मुख्यालय जी, और तो उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, तो घटना को अंजाम देने वाले आरोपी बेटे को, जिसने अपने पिता की पीट पीट कर हत्या की है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस घटना के बाद से जहां पूरे इलाके में एक तरह तरह की लोग बातें भी कर रहे हैं कि एक बेटे के द्वारा अपने ही पिता की हत्या किए जाने को लेकर, अब वही जो मृतक का बड़ा बेटा है जिसने तहरीर दी है पुलिस को, उसने आइंडिया को पूरे मामले की जानकारी दी है। हम आपको सुनाते हैं कि उसका क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। आपका क्या नाम है और ये जो घटना हुई है ये कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरा नाम विमलेश है, विमलेश नाई। हम लखनऊ में थे, हमको रात 10 बजे फोन गया कि पापा को तुम्हारे छोटे भाई ने मारा पीछे से, तो उनकी जो है डेथ हो गई। क्यों मारा है? पैसों के मामले में वो रोज के रोज जो है पैसे मांगता था, कोई काम भी नहीं करता था। पापा करते रहते थे, वो बैठ के खाता था और जब पैसे खत्म होते थे तो फिर मार मार के लेता था। पैसा न देने के कारण? पैसा नहीं देते थे जिस दिन, उस दिन तो मारते था। फिर कल जो पैसा मांगा, पैसा था नहीं उनके पास। उन्होंने सब घर बनवाने के लिए सब सामान ला के रखे, पैसा था नहीं, इसलिए जो है पैसा ना देने के कारण पीछे से वार कर दिया। और तिवारी, ये जो घटना तुम्हारे पड़ोस में हुई है इसके बारे में क्या जानते हो, बताएं? इसके बारे में जब हम लेटे सो रहे थे, छत पर आराम कर रहे थे, तो हमको आवाज़ डंडों की मिली। डंडों की आवाज़ मिली तो हमारे घर के बाहर चाचा जी लेटे हुए थे, तो चाचा जी यहाँ पर आए तो देखा तो उन्होंने कहा कि यू का कर सारे काहे मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो चाचा जी से उन्होंने जब कहा कि तुम भी कुछ लेना चाहते हो, जो चाचा जी से उन्होंने शब्द बोले तो हम जब उठे छत पर से, देखा ये क्या हो रहा है, देखा क्या, तो तब उनकी जो पत्नी धर्म पत्नी कामनी है, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तुमने क्या किया, तो भैया मार डरो, ऐसे शब्द उन्होंने उनकी पत्नी बोली। तब चाचा हमारे ने देखा कि अरे ये तो शत्रुघ्न को मार डाला इसने। तब हम दौड़ करके छत पर से आए नीचे, तो देखा क्या शत्रुघ्न बुरी हालत से पड़े हुए थे। तब हमने गाँव वालों को आवाज़ दिया, फिर प्रेम दीक्षित को आवाज़ फोन लगाया और फिर एम्बुलेंस इत्यादि सारी व्यवस्था करके उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में क्या हुआ, अस्पताल के विषय में हम तो नहीं जानते हैं।
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।